जेको ना जेको ना मतलब मतलब कुछ भी कुछ भी बोल यही बोलूंगी कि प्लीज विजिट कश्मीर, ये एकदम हेवनली है। मतलब इस टाइम तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए कि इतना बर्फ होगा इधर, तो हम लोग तो मतलब बहुत बहुत मतलब हमको तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आएंगे, हम लोग फिर प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आज हम सोनमार्ग में आए हैं, तो यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है, इतना स्नोफॉल हो रहा है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो लोग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है, और यहाँ का जो जो सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का व्यू बहुत ही जेको ना मतलब मतलब कुछ भी बोल मैं कोलकाता से हूँ, मेरा नाम शताब्दी तालुकदार है, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ फर्स्ट टाइम कश्मीर में। हम लोग लगभग सभी जगह घूम चुके हैं, आज सोनमार्ग आए हैं, कल फिर डल लेक जाएंगे, तो अभी तो मतलब सिर्फ एंजॉय करना है यहाँ। हम परसों गए थे गुलमार्ग में, तो वहाँ मतलब वेदर इतना ख़राब था, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। तो आना एक्चुअली रीज़न ही यही है क्योंकि हमको ठंड चाहिए, क्योंकि कोलकाता में उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो हम लोग आए हैं स्नो का मज़ा लेने बस। नहीं, दिस फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यही बोलूंगी कि प्लीज़ विजिट कश्मीर, ये एकदम हेवनली है। मतलब इस टाइम तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए कि इतना बर्फ़ होगा इधर, तो हम लोग तो मतलब बहुत बहुत मतलब हमको तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर आएंगे, हम लोग फिर प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। मैं मीनाक्षी झा हूँ और मैं कोलकाता बिलघोरिया से आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आज हम सोनमार्ग में आए हैं, तो यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है, इतना स्नोफॉल हो रहा है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो लोग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है, और यहाँ का जो जो सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर स्वर्ग है, बहुत बहुत एकदम स्वर्ग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सौमित्र फ्रॉम कोलकाता। कश्मीर तो मेरा ये पहले दफ़ा का कश्मीर का विजिट है, इसके बाद दो बार हम लोग कोशिश किए थे लेकिन वो ये नहीं हुआ था, अल्टीमेटली सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस बार हमारा तो ये था, नवंबर महीने में हम प्रोग्राम बनाए थे, तो काफ़ी बार सोचे थे कि बर्फ़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि सोनमार्ग से ऊपर में जाने से कुछ मिलेगा, या तो मान लीजिए कांगडूर से भी वहाँ से मिलेगा, लेकिन पूरा ये चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया कि कल टंगमार्ग से या यहाँ से हमारा सोनमार्ग आने से बीच रास्ते से बर्फ़ दिखना शुरू हुआ। और यहाँ पर जब आए तो ऐसा बढ़िया स्नोफॉल होना स्टार्ट किया था कि लग रहा है कि माने कौन सा जगह में क्यों आदमी माने स्विट्ज़रलैंड का नाम कहते हैं, वो बोलते हैं कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि बोलते हैं कि चला जाओ जैसे कि स्विट्ज़रलैंड लगेगा। तो मेरा अपना मन का बात अगर कहा जाए तो उल्टा बोलना चाहिए, कहीं स्विट्ज़रलैंड में कोई अगर जाए तो उसको बोलना चाहिए देखो ये हम लोग कश्मीर आ गए, ये हमारा, ये मेरा मन से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कश्मीर आ गए, क्योंकि
मुझे इतना तक विश्वास है कि कश्मीर का जो माहौल जो अभी हम लोग देखे थे, हम श्रीनगर का बात कह रहा हूँ कि परसों शाम को टाइम में टहलने के लिए बाहर गए थे तो पूछा आप कहाँ से आए, तो मैं बोला कोलकाता से आए हैं। कोई प्रॉब्लम, आपका कोई हेल्प, कुछ मदद चाहिए, आप मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बात कर लीजिए। जिनके साथ मेरा कोई ना कोई पुराना जान पहचान ना कुछ ताल्लुकत है, तो ये अगर मान लीजिए ये चीज़ हमारा बिल्कुल कोलकाता का जैसा, हमारा वेस्ट बंगाल का बात मैं कह रहा हूँ, कोलकाता का जो पुराना शहर जो है ब्रिटिश पीरियड का जिस टाइम से है, सेम चीज़ हम लोग का था। कोई मेहमान बाहर से आए, वो कहाँ से आए हैं, क्या है उसका पीछे, क्या है आगे, क्या है उसका भाईचारा के हिसाब से हम लोग निभाते हैं। ऑलवेज़ आप आ जाओ मेरा घर में, रुक जाओ थोड़ा बहुत, यहाँ बैठो, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसका साथ बांटो, सेम चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मुझे बहुत जैसा कि हमारा वो कोलकाता का जैसा वो माहौल जैसे यहाँ मुझे फील हो रहा है, तो मैं ऑलवेज़ ये चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ पीपल कम हियर एंड एन्जॉय हियर एंड मिक्स विद द पीपल एंड मेक द एरिया टू द स्काई हाई, इट्स स्वर्ग कहते हैं, दिस इज़ ए हेवन एंड रियली मेक इट हेवन एंड लिटरली ट्राई टू पुट द मैसेज, गिव द मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट दिस इज़ द वेरी फैंटास्टिक प्लेस एंड द पीपल आर वेरी कॉर्डियल, दैट शुड द माई मैसेज। मेरा नाम शहजाद रसूल है। आज पूरे मतलब दिन यहाँ पूरा मीडिया था यहाँ कवर कर रहे हैं कि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो सोनमर्ग में हो रही हैं, अब विंटर टूरिज़म जो आ रहा है यहाँ पे, तो अल्लाह का करम है कि ठीक तरह से आ रहा है, लेकिन अभी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे कि टूरिस्ट जो यहाँ आ रहा है कि उनके रोड एक्सेस बहुत ज़रूरी है, कि रोड एक्सेस कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि 15 नवंबर के बाद हम टनल को खोल देंगे, तो हमें उम्मीद है कि टनल ये खोलेंगे 15 नवंबर को। और यहाँ इस साल होटलियर्स ने ठान ली है कि हम कंटिन्यू सोनमर्ग में विंटर सीज़न चलाएंगे, और गवर्नमेंट भी सीरियस है इस मामले में कि गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया, कि लास्ट ईयर भी इनिशिएटिव लिया लेकिन 11 मंथ्स हम कामयाब रहे तो एक महीने बंद करना पड़ा। तो इस साल हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, अभी डी ओ काम साहब, एल जी साहब, ये सभी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोकस कर रहे हैं सिर्फ सोनमर्ग को, इस वक्त के सोनमर्ग 12 महीने ओपन रहें तो इससे रोज़गार भी बढ़ जाएगा, और लोगों की जितने लोग यहाँ डिपेंडेड है सोनमर्ग पे, नियर अबाउट 5000 फैमिलीज़ जो है जो डिपेंडेड है सोनमर्ग पे, जिनका रोज़गार यही है और उनका रोज़ी रोटी चलेगा, और टूरिस्ट जो आ रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर, वो चाहते हैं कि हम सोनमर्ग जाएँ, सोनमर्ग ओपन रहें। तो इंशाल्लाह हमने ठान ली थी इस साल कि हम पूरा सीज़न विंटर सीज़न कंटिन्यू करेंगे, तो उम्मीद है कि अल्लाह भी हमें साथ देगा और डेफिनेटली हम कामयाब हो जाएंगे।